वी गॉट शूज फॉर बाजूका। ये इंडिया में इम्पोर्ट करके 11 लाख की पड़ती है अभी, और इसका रोड रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सैयद आसिफ अली इज नेशनल चैंपियन फॉर टीवीएस रेसिंग। आई थिंक द टॉप कार्ड इज योर कार्ड, टू ऑफ डायमंड। ये नहीं, ओके, आई जस्ट गिव इट अ शेक जस्ट लाइक दिस एंड इट विल चेंज इट टू योर कार्ड। सब लाल लाल हो गया बाबा। चेयर्स। जस्ट अभी उठा हूँ मैं, कॉल आया था मेरे पास, डिलीवरी आई है एक कोरियर की, आई नीड टू गो, बहुत इंपॉर्टेंट कोरियर है, क्या है चलो चल के देखते हैं। सो या लेट्स गो। फाइनली कोरियर आ गया है, कोरियर में क्या आया है वो दिखा देता हूँ। 1 2 3 हियर वी गो। तड़ा एंजल एसटी और एंजल जीटी रियर टायर, ये फ्रंट के लिए, ये रियर के लिए। वी गॉट शूज फॉर बाजूका। क्या बात है, काफ़ी साफ सुथरा टायर एंजल जीटी। अब आप चेक कर लो एक बार। भैया चक्के BRC कस्टम पे, और यहाँ पे क्या होने वाला है थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। मेरे साथ है प्रांजल। एक्चुअली क्या हो गया था कि अगर ये नहीं आता तो आज मुझे बाइक के टायर्स कैसे लाने पड़ते। टेपिंग तो मैंने करी ली थी, बस उसको ऐसे कप्तान अमेरिका जैसे रस्सी से बांध के लाना पड़ता पीठ पे, क्योंकि एक्चुअली यार हुआ ये कि कोई भी फ्रेंड फ्री नहीं था। आज वर्किंग डे है तो सब इधर उधर कहीं ना कहीं व्यस्त है, ऑफिस, कोई ऑफिस में, कोई शॉप पे, कोई कहीं है, तो मैंने बोला अब क्या करूं। फिर मुझे याद आया आप प्रांजल भाई चल सकते हैं। मैंने पूछा भाई एक बार मैं रेडी हो गया, और बहुत सही बंदा है। वहाँ से स्कूटी पे टायर्स रखे हमने और बाइक यहाँ पे लेके आए, और अब फाइनली टायर चेंज होने वाले हैं। इतने सारी ट्रॉफी है क्यों भाई? कॉम्पिटिशन, ये फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन की यहाँ पे वो सारे इवेंट पहले मैं पार्टिसिपेट करता था। हाँ, हम लोग काफी बार चैंपियन बने 2011 से 2013 तक, और अब मैं वही कंपटीशन जज करता हूँ। तो ये मेरे सारे राइट, ये जजिंग का है, ये जजिंग का है, ये जजिंग का है, ये नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन सारे मैं जज करता हूँ। ऑनरिंग करण सिंह ये भी जज करते हैं, मतलब ये सारे। अब जो कंपटीशन में मैं पहले चैंपियन था 2015 तक, अब 2015 से 2021 हो गया, इतने साल से मैं उन कॉम्पिटिशन को जज कर रहा हूँ। कितने की भैया ये बाइक? ये इंडिया में इम्पोर्ट करके 11 लाख की पड़ती है अभी, और इसका रोड रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अच्छा, जिसकी है वो ही इज अ नेशनल चैंपियन रेड डे हिमालय के चैंपियन है, सैयद आसिफ अली, एंड ही रेसेस फॉर TVS। ये उनकी प्रैक्टिस बाइक है, और इसी से वो काफ़ी सारे सुपर क्रॉस और मोटो क्रॉस के कंपटीशन के राउंड खेलते हैं, जीतते तो पता नहीं कितनी बार जीते हैं, बट भाई वो हर कॉम्पिटिशन जीतते हैं। क्या बात है भाई। रियर और फ्रंट दोनों टायर्स हमने मंगा लिए हैं, 180/55 ZR17, और इसका टायर साइज है 120/70 ZR17। बाजूका इज गेटिंग न्यू शूज डन। वैसे तो मतलब इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, लेट मी जस्ट शो यू। अभी फ़िलहाल हो चुके हैं इसके साथ 13,643 किलोमीटर। Tomorrow. क्या देखा आपने भाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला। ओ भाई यही तो चाहिए था।
अरे भाई एक तरफा भाई, यही यही चाहिए था बस। शुक्रिया भाई। अरे भाई क्या सेक्सी हो रही है भाई आगे से, क्या आगे का देखो, आगे आपको कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअल में दिखेगा। वाओ। सो गाइस आई जस्ट लव दिस, आई जस्ट लव दिस, मतलब अमेजिंग है, लिटरली इससे मैचिंग हो गया। लुक एट दिस, आई लव इट मैन। कितनी मेहनत लगी दादा इसमें? बस यार दो बार गाड़ी का टायर खोलना पड़ा। हाँ लेकिन ठीक है भाई, एनीथिंग फॉर यू। अरे भाई हमने उसी वक्त ओपन कर लिया था, ओपन करके हमने फर्स्ट बेस कोट जो है वो उसी वक्त कर दिया था, वाइट का बैकग्राउंड डाल के, और फिर बेस कोट डाल के कल रात में गए थे 1 बजे। सुबह 10 बजे मेरे बंदों ने उस पर टॉप कोट और क्लियर कोट कर दिया उसके ऊपर, और अभी सूखने के बाद फिट करा आधे घंटे पहले ही, तो अभी बिल्कुल रेडी है, आप ले जा सकते हो इसको। बिल्कुल। कल जब हम आए थे तो शेड मिसमैच हो गया था जब उन्होंने बनाया था, इनफैक्ट लाइट कलर, लेकिन वो बहुत डार्क हो गया था क्योंकि ऑलरेडी पहले का कलर ब्लैक था, इस वजह से अभी हम लोगों ने क्या करा उस पे पूरा एलॉय को व्हाइट करा, पहले व्हाइट अच्छा का बेस बनाया, और व्हाइट का बेस बना के उसके बाद फिर ये हमने दोबारा कलर किया, तो इस बार बिल्कुल इस बार तो मजा आ गया भाई, लव इट, अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और बाकी भैया ने वॉश करा दी, ये एक और मॉडिफिकेशन है जो आप देख सकते हो, क्लियर वाइजर की जगह हमने थोड़ा सा इसको टिंटेड स्मोक कर दिया है, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। पीयूसी करवा दिया भैया ने, करवा दिए, क्या बात है। और क्या करना था, ऑल सेट एंड रेडी, यू हैव, आई हैव गॉट योर चेन क्लीन एवरीथिंग। अरे क्या बात है भाई, इतनी खुशी है मुझे। ही सैयद आसिफ अली, ही इज अ नेशनल चैंपियन फॉर टीवीएस रेसिंग। ये जो बाइक है उनकी, दिस इज द प्रैक्टिस बाइक, ये इससे प्रैक्टिस भी करते हैं, काफी सारे कॉम्पिटिशन भी खेलते हैं, तो अभी हमने इसको ट्यून करा है पूरा, और अब क्योंकि आसिफ भाई का रेसिंग चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है, आगे की रेसेस खेलेंगे। क्या बात है भाई, ग्लैड टू मीट यू, रियली ग्लैड टू मीट यू। वाओ। सबको अपने कार्ड्स याद है ना? ओके, सो व्हाट आई डू इज, अगर मैं एक कार्ड इसमें से रिमूव करूं जस्ट लाइक दिस, सो ये एक्चुअली वैनिश हो जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ नहीं है मेरे टॉप पॉकेट, बट एक्चुअली आई डोंट हैव अ टॉप पॉकेट, एंड जिसका भी होगा उसे क्लैप करना, ये आपका है शायद, राइट? तो आपको क्लैप करना, वो मेरे लिए रहेगा, ठीक है। सेकेंड कार्ड की अगर हम बात करें तो सेकेंड कार्ड टॉप पे आ गया है, राइट देयर, एस ऑफ स्पेड्स। वेल आई ट्राई माय बेस्ट कि आपका कार्ड ढूंढूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इनके कार्ड से ही आपका कार्ड ढूंढूं। व्हाट आई कैन डू इज एस ऑफ स्पेड्स को जस्ट ऐसे शेक करूंगा, फोर्थ कार्ड एक्चुअली टॉप कार्ड है, राइट देयर, क्वीन ऑफ डायमंड आपका है, Queen of Diamond आपका, right? इसको मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, वो टेक द अनदर कार्ड, मैं इसको इसके ऊपर वेव करूंगा जस्ट लाइक दिस, ऐसे वेव करूंगा, एंड एक्चुअली अब ये कार्ड क्वीन ऑफ डायमंड हो गया है, एंड जो कार्ड हमने वहाँ रखा था इट चेंज टू योर कार्ड, नाउ वी हैव टू कार्ड मिल गया, आज कार्ड हमने बता दिए, दो कार्ड बचे, ओके। The top card is another card, six of diamonds, so aapka card, right? But last card, I am very confused. You know, jab hum fingers snap karte hain, kabhi bhi humne cards kahin bhi place kiya, fingers snap karte hain, chutki bajate hain, to card kahin bhi place kiya, card top pe aa jata hai, apni position change karte hain, I think so. I am not sure, kyunki top wala card inka tha, ek bar aur snap karte hain, just snap your fingers, aise snap karo. I think the top card is your card, two of diamonds. ये नहीं, ओके, आई जस्ट गिव इट अ शेक जस्ट लाइक दिस एंड इट विल चेंज इट टू योर कार्ड, ये आप देख लो, ओके, सारे अलग कार्ड्स हैं, एवरी कार्ड इज डिफरेंट एंड यू हैव वन कार्ड एंड यू कैन होल्ड द अदर लाइक कार्ड्स, ओके, सो पूरे डेक में से सिर्फ एक कार्ड आपके हाथ में है, राइट? आपने कार्ड देख लिया? देख लिया। ओके, सो डू यू प्ले कार्ड?
नो नॉट मच बट आपको नंबर या पिक्चर जो भी होगा उस पर ध्यान है राइट यू रिमेंबर दैट ओके सो पिक्चर बेसिकली कार्ड्स दो कलर के होते हैं रेड और ब्लैक काले या लाल कलर के होते हैं राइट आई वॉन्ट कि आप एग्जैक्ट कलर के बारे में सोचें सिर्फ सोचना है ओके इट्स अ रेड कलर कार्ड शायद लाल कलर का कार्ड है एंड मेक श्योर दैट और आई वॉन्ट कि आप अगर ये पिक्चर कार्ड है पिक्चर बेसिकली जैक क्वीन एंड किंग होते हैं बादशाह बेगम और गुलाम राइट और नंबर्स होते हैं 1 से 10 तक के एक से दस तक के कार्ड ओके सो 1 से 10 तक के नंबर्स में कोई नंबर है ठीक है और लाल कलर में बेसिकली दो होते हैं डायमंड्स एंड हार्ट्स ईट और लाल पान तो अगर हम ईट को ऊपर रखें बताना नहीं है वैसे आप इन्होंने ईट और लाल पान दो दो राइट होते हैं ओके ठीक है तो फिर अगर हम ईट को ऊपर प्लेस कर दें और लाल पानों को नीचे तो आई वॉन्ट कि आप सोचो कि आपका ईट वालों में होगा कि लाल पान में होगा राइट वेल आई डोंट थिंक आई थिंक क्योंकि ईट ही है उनके मुँह से भी ईट निकला था आई थिंक ईट का ही कार्ड है अब कुछ मत बताना कोई एक्सप्रेशन मत देना जिससे मैं गेस कर पाऊँ एग्जैक्ट कार्ड जस्ट थिंक अबाउट द एग्जैक्ट कार्ड इन योर माइंड अपने मन में सोचना है और रिपीट करना है उसका नंबर जो भी नंबर है सो 1 से 10 तक के नंबर्स हैं जस्ट रिपीट द नंबर इन योर माइंड ओके ही इज सेइंग 9999 ऑफ डायमंड्स ईट का नहला है कार्ड आपका ब्लैक एंड रेड में कंफ्यूजन था शायद 10 हो गए एक बार गिन लो मैं देख लो कोई स्टिक नहीं है कार्ड कोई चिपका नहीं है कार्ड सिर्फ 10 कार्ड है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हम लोग इसके फेस अपवर्ड भी गिनेंगे कोई कार्ड रिपीट नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल ये 9 ऑफ क्लब्स है तो बाकी के 9 आ सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कार्ड है ये लेकिन सिंगल कार्ड है राइट सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 एंड मेरी स्लीव रोल्ड अप है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने स्लीव के अंदर कुछ छुपाया है अपने हाथ ऐसे रखो एंड जस्ट कवर दिस और यहाँ कुछ फील हो तो बताना ठीक है बाकी के काम ओके आई जस्ट गिव द शफल जस्ट लाइक दिस एक आपकी है लेकिन इसमें कुछ इनविजिबल कार्ड है आप देख नहीं सकते लाइक एक ये वाला कार्ड शायद आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं इसे यहाँ रख दूंगा एंड मे बी एक ये वाला दूसरा एंड एक्चुअली एक कार्ड को हम यहाँ रखेंगे जस्ट लाइक दिस तीसरा कार्ड एंड मे बी राइट फोर्थ कार्ड वाज राइट देयर तो कुछ फील हो आपको हुआ कुछ चाहिए ओके तो जस्ट काउंट द कार्ड एक बार काउंट करो लाउडली एक एक करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 A few moments later. पार्टी पार्टी वी वांट पार्टी मेहता साहब सोडा पिएंगे मेहता साहब ये मेरी गाड़ी और ये पार्टी हो रही पार्टी हो रही है सही है क्या ले रहे हैं फिर अपन सामने नींबू है आर्ट है आर्ट है आर्टिस्ट है आर्ट है आर्टिस्ट है सही बात है भाई थोड़ा सा ठंडा हो गया ना अलग ही शौकीन आदमी है ये भाई और ये मेरे मेरी लाइफ के ये मेहता साहब है मेहता साहब Cheers, cheers, man, cheers. ये वाला cheers, अच्छा ये वाला cheers. सब लाल लाल हो गया, बाबा cheers.